बिहार में जितने भी अपराध की घटनाएं हो रही हैं सब शराब माफियाओं के द्वारा है, और सभी शराब माफिया राजद के वही गुंडे तत्व हैं जो 2005 से पहले हत्या और अपहरण का काम करते थे। सभी एनडीए के सभी सहयोगियों से हम अनुरोध करते हैं और सभी सहयोगी मदद करते हैं। कहीं भी चुनाव लड़ने वाले कुर्नी में उन्होंने तो खुद ही अनाउंस किया था कि लड़ेंगे, फिर उसके बाद खुद ही हट गए, तो उनके बारे में तो वही बताएंगे। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं प्रमीर सिंह। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। तमाम पार्टियां हैं वो तैयारी में जुट गई हैं। खबर है कि बिहार बीजेपी ने दिल्ली में आज बैठक की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बीजेपी के प्रभारी जो हैं उन्होंने एक साथ बैठकर उपचुनाव को लेकर डिस्कशन किया है। देखिए संजय जायसवाल बैठक के बाद क्या कुछ बता रहे हैं। मैं कॉप में गया हुआ था बाहर, इसलिए जो हमारी चुनाव समिति की बैठक हुई थी वह वर्चुअल हुई थी, और उसी बैठक में जो निष्कर्ष निकला था उस निष्कर्ष को एक छोटे से ग्रुप में विस्तृत चर्चा हुई कि हमारे किन नामों की अनुशंसा हमें केंद्र को भेजनी चाहिए। इसी पर माननीय विनोद तावड़े जी के साथ कुछ प्रमुख नेताओं की चर्चा हुई। हम अब भेजेंगे और निर्णय केंद्र को करना है। किन नामों पर चर्चा हुई कुछ सभी एनडीए के सभी सहयोगियों से हम अनुरोध करते हैं और सभी सहयोगी मदद करते हैं। चिराग पासवान भी चुनाव लड़ने वाले उन्होंने तो खुद ही अनाउंस किया था कि लड़ेंगे, फिर उसके बाद खुद ही हट गए, तो उनके बारे में तो वही बताएंगे। बिहार में जितने भी अपराध की घटनाएं हो रही हैं सब शराब माफियाओं के द्वारा है, और सभी शराब माफिया राजद के वही गुंडे तत्व हैं जो 2005 से पहले हत्या और अपहरण का काम करते थे। यही बातें लगातार हम माननीय नीतीश कुमार जी को कहते थे, तो नीतीश कुमार जी को बहुत बुरा लगता था। अब अच्छा है कि उनके अपने लोग भी इस बात का एहसास करें, जब तक राजद के गुंडों को बालू और शराब से निकाल करके अरेस्ट नहीं करवाया जाएगा तब तक बिहार में शराबबंदी का माहौल ही उड़ेगा। तो आपने सुना कि संजय जायसवाल ने बताया कि नामों का जो प्रस्ताव है वो केंद्र को भेजा जा रहा है, और केंद्र ही तय करेगा कि कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में कौन उम्मीदवार होगा। कई नाम जो है आगे किए गए हैं। आपको बता दें कि कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो है नामांकन का दौर शुरू हो गया है। 5 दिसंबर को जो है वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। वहीं महागठबंधन के तरफ से भी कोई ऐलान नहीं हुआ है, बीजेपी ने भी कोई ऐलान नहीं किया है। तो देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से कौन चुनाव लड़ता है और महागठबंधन की तरफ से कौन पार्टी चुनाव लड़ती है और किसे उम्मीदवार बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने भी ऐलान किया है कि वो कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो क्या मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी चुनाव लड़ती है, यह भी देखने वाली अब बात होगी। बहरहाल, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।